हेलो 10th क्लास, आपका जो नेक्स्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज के बारे बताया था, वही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें यह अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर सेवन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री ऑफ 2017 एंड मैनी स्टेट पार्टीज। देखिए, आपकी बुक अभी हम 2020 में हैं, लेकिन आपको जो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा तो 2017 के बारे में आप पढ़ेंगे। अपनी बुक में जो नेशनल पार्टीज हैं या फिर स्टेट पार्टीज हैं, हम 2017 की जो आपकी बुक में दे रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो है स्टेट पार्टीज को हम क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज भी कहते हैं, और नेशनल पार्टीज को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट पार्टीज को हम क्या कहते हैं, रीजनल। पहले हम स्टेट पार्टीज को समझ लें, उसके बाद हम नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जो आपकी स्टेट पार्टीज जो है उसके अंदर देखिए, ऐसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो हम राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है। तो वहीं अगर हम देखेंगे तो सिक्किम में है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। तो अलग अलग स्टेट में हम जो है अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग स्टेट के बारे में, अलग अलग पार्टीज के बारे में हम देखते हैं। तो ये हैं स्टेट पार्टीज आपके। आप अपने बुक में जैसे इस मैप को देखेंगे और तब आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज में ये सात आपको नेशनल पार्टीज लर्न करनी है। इनके मेन कारण क्या है क्या है, जैसे कि आपकी जो भी है, इनके जो मेन तीन चीज़ें आपको याद, इसकी दो चीज़ें याद रखनी है कि क्या काम करती हैं ये, आइडियोलॉजी इनके कौन है, या फिर लीडर्स कौन कौन है। देखिए, पहले के टाइम पे तो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन अब पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पार्टी किस तरह से काम करती है। जैसे कि आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो उसका सेकुलर पर काफ़ी जोर था। इंटर जो इनके लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। वैसे सेम बीजेपी के बारे में हम देखेंगे तो ये हिंदू तत्व काफ़ी जोर था, तो 1980 में इसका फाउंडेड हुई थी। तो ऐसे बीएसपी है, बीएसपी का जो लीडरशिप है वो कांसीराम है। तो ये छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या लीडर है, क्या काम करती है, या फिर क्या आइडियोलॉजी है। तो अपनी सेवन पार्टीज को अच्छे से देखना है, उनको लर्न करना है। अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट दिखे हैं, तो आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी डालना होता है कि किस तरह से क्या है, पॉलिटिकल काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती हैं। तो आइए इन चारों को समझते हैं। फॉर मेजर चैलेंज हैं जो विच पॉलिटिकल पार्टीज फॉर, कैसी है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसमें क्या आता है, देखिए पॉलिटिकल, पहले समझे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनाई जाती हैं, कि डेमोक्रेसी को बेहतर तरीके से बेहतर जो है प्रैक्टिस किया जा सके, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव राइट्स हैं या फिर हमारे जो पार्टिसिपेशन राइट हैं उनको हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकें। तो इसीलिए हम क्या है, जो आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है, हम डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चैलेंजेस से जूझ रही है या फिर प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, पहली मैंने बताई, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी में टॉप पार्टी लीडर वो होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, जो भी निर्णय लेने होते हैं वो टॉप पार्टी लीडर्स एक कमरे में बंद होकर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी में होती क्या है कि फिर जो मेंबर्स होते हैं बाकी के, उनको डिसीजन इंक्लूड में नहीं किया जाता है। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि एक लीडर होते हैं, दूसरे आपके क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और तीसरे आपके होते हैं फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स और एक्टिव मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता जब वो एक निर्णय लेते हैं या फिर कुछ डिस्कशन करते हैं, वो लीडर ही आपस में डिस्कशन करके निर्णय ले लेते हैं। तो देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। तो फर्स्ट कारण ये है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इसमें क्या है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं कि टॉप पोजिशन में जो है दे आर ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, या फिर हम कह सकते हैं फिर सेम रिलीजन से होते हैं, फिर सेम कास्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दूसरे मेंबर्स को क्या करते हैं, वो मौका नहीं देता है या फिर मौका नहीं मिलता है उनको टॉप पोजीशन तक पहुंचने का, ठीक है। इजीली आपको समझ आ गया होगा टॉपिक, क्योंकि इसमें कहने का मतलब है कि जो लीडर होते हैं वो अपने ही मेंबर्स, जो फैमिली में जो होते हैं उनको लेके आ जाते हैं, या फिर जो सेम कास्ट के होते हैं उनको ही लेके आ जाते हैं, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है आगे आने के लिए। मनी एंड मसल्स पावर में तीसरा क्या, ये बहुत मेन है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी जूझ रही हैं। कैसे, दोस कैंडिडेट है Having a lot of money or muscle powers influence the ticket in the political party. जैसे कि जिनके पास पावर है, मनी है, पैसा है, वही टिकट ले पर, टिकट वो फिल्म वाली टिकट नहीं है, टिकट वो होती है जो पार्टीज में पोजीशन में एक्वायर करने के लिए या फिर
जो है डिसीजन लिए जाते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन जो होते हैं उनमें उन्हें कौन इन्फ्लुएंस कर देता है, वो टिकट, वो कैंडिडेट जिनके पास मनी पावर है या फिर मनी या फिर मसल्स पावर है, वही जो है आगे तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, और बाकी नहीं पहुंच पाते हैं आगे, जिसके चलते जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं या फिर ऑनेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, रेस से बाहर कर दिया जाता है। रेस से बाहर मतलब जो ईमानदार होंगे उनको तो कोई पूछता नहीं, अगर पैसा होगा उन्हीं को पूछते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो कैंडिडेट अपनी सीट पहले बुक कर लेते हैं या फिर उन्हीं की बात उन्हीं के फेवर में जो होती हैं बातें होती हैं, बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ भी फायदा नहीं होता, उनको क्या होता है रेस से बाहर हो, बेचारे वो बाहर ही हो जाते हैं। तो ये एक कारण है। फोर्थ आता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस में यहाँ पर क्या है हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, लेकिन जैसे कि दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है वो कहती है हम विकास करेंगे, दूसरी कहती है हम भी विकास करेंगे, लेकिन दोनों में कुछ अलग नहीं दिख रहा है हमें, तो हम किसी को वोट करें बात तो एक ही पड़नी है, तो मीनिंगफुल चॉइस हमें पास चॉइस नहीं है हम क्या करें, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। जो सामने वो दूसरी टीम कह रही है वही दूसरी पार्टी भी कह रही है, तो ये ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम किसको चूज करें या फिर उसको करें या इसे करें, बात एक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट आपका जो आता है वो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, वो किस तरह से रिफॉर्म करती है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग रिफॉर्म, मतलब यहाँ पर है कि जो खुद तैयार है पार्टीज चेंज कर, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या खुद तैयार हैं चेंज करने के लिए, इफ दे आर नॉट, और कुछ पार्टीज हैं चेंज करती भी हैं, चेंजेस लेके बदलाव लेके आती हैं, इफ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो तैयार नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करने के लिए, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, तो हम क्या उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि आप चेंजेस लेकर आइए या प्यार से लेकर आइए फिर मारपीट के लेकर आइए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को चेंज थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यहाँ पर जो आपसे पूछ रहे हैं वही आपने आंसर करना। ये तीन पॉइंट जो लिखेंगे इंप्लीमेंट, ये लागू हो चुके हैं कि हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज लाने चाहिए, ये स्टेप लिए गए हैं। यहां नीचे आते हैं कि हम और क्या सजेशन कर सकते हैं, वो चीज यहां पे दे रखी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू चेक डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब यहां पे क्या होता है ध्यान सुनिएगा। जैसे कि मैं ए टीम से हूं, मैंने ए टीम से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने में मैं जीत गई, और वहीं बी टीम मुझे बी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, कोई पार्टी कहती है कि मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूं आप मेरे पास आ जाओ, तो ऐसे में क्या होगा, मैं चले जाऊंगी, मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है जो मेरी एमएलए एमपी की जो पोस्ट होगी यहाँ पे वो खारिज हो जाएगी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जो मैंने इलेक्शन जीता है वो मैं हार जाऊंगी, क्योंकि ये डिफेक्शन पहले नहीं होता था, अब जो है डिफेक्शन जो अगर कोई डिफेक्शन को फॉलो करता है तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत वो चेक किया जाता है कि ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसकी पूरी जो भी एमपी एमएलए की जो पोस्ट है उसे खारिज कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट, इसमें क्या है एक एफिडेविट देना पड़ता है हर एक कैंडिडेट को, अगर वो किसी की पोस्ट में जा रहा हो या फिर किसी भी इलेक्शन से वो मतलब या फिर वो पोस्ट को छोड़ रहा हो, दोनों चीज में क्या करना पड़ेगा उसके उसे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ेगा, या फिर क्रिमिनल केसेस तो नहीं है उसके ऊपर उसके बारे में एक एफिडेविट एक घोषणा पत्र में उसे लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें। थर्ड है इलेक्शन कमीशन पास करती है ऑर्डर मेकिंग नेसेसरी पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इलेक्शन कमीशन ने एक पास करा रूल कि पॉलिटिकल पार्टी जो अंदर बैठ के खुद ही रूल निकाल लेती है, लीडर्स जो है डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करवाए जाएंगे ताकि सबको पता चल सके, ताकि डेमोक्रेसी दिखे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी। तो और उन्हें साथ में क्या करना चाहिए फाइल देयर इनकम रिटर्न, तो जिनके इनकम टैक्स के बारे में उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, कितनी फाइल है कितनी नहीं है, क्या क्या उनके सामान है, क्या उनके पास कितने पैसा है कितना नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ेगा। तो ये चीज जो ये तीनों चीजें हैं ये जो है ये स्टेप लिए गए हैं, ठीक है। सजेशन क्या है लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर, जो भी इंटरनल अफेयर है वो उस पर एक अच्छे से लॉ होने चाहिए, रेगुलेट होने चाहिए। कोटा इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे है कोटा इन टिकट में कि एक रिजर्वेशन होनी चाहिए किसको कितनी किससे कितनी, मतलब कि कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए किस कैंडिडेट को, कितने कैटेगरीज को क्या क्या मिलना चाहिए, वुमेन्स को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन मतलब जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है तो ना पैसा उनके पास होता है कि एक देश की गरीबी खत्म कर सकती है वो पैसा, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो पैसा खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दे, गवर्नमेंट और एक पॉलिटिकल पार्टी दोनों अलग अलग चीजें दोनों की दोनों, तो एक देखना चाहिए कि गवर्नमेंट पैसा दे पॉलिटिकल पार्टीज को, इतने पैसे मिलेंगे इतने में ही आपको अपना जो है इलेक्शन लड़ने हैं, इससे ऊपर पैसे आपको नहीं मिलेंगे, तो वो सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है कि जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ कि आप गेम नहीं खेलेंगे,
अब पबजी नहीं खेलेंगे, तो आप सोचेंगे ऐसे क्या गेम में ऐसा क्या है जो मैम मना कर रही है, तो हम और खेलेंगे। तो वही होती है, ओवर रेगुलेट करोगे तो क्या होता है, काउंटर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। पीपल को पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। कहते हैं ना कि चार बंदे बैठ के बोलते कि ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खराब है, ये ऐसे ही से ऐसा करना चाहिए, इसे वैसा करना चाहिए, तो वही लोग अगर इन चीज़ों में आते हैं तो आगे जो पीपल होते हैं जो वो अवेयर होते हैं। अगर कीचड़ को साफ कर रहा है तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा ना आप सबको, तो वही सेम चीज़ इसके अंदर आती है। लास्ट है, प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय द मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। अगर खराब पॉलिटिकल चल रही है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा बेटर पॉलिटिकल्स लाकर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है खत्म होता है, ठीक है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ओके।